सर ये धरना एक मजबूरी में दलित सत्याग्रह करना पड़ा मुझे, क्योंकि तो 4 साल पहले, 4.5 साल पहले एक विश्वविद्यालय में भर्ती हुई थी मैनेजमेंट में। तो उस टाइम मैं टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, अब भी हूँ, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुई है। तो वहाँ पे जो ईसी की मीटिंग थी 13 जून को, तो मैंने देखा 4 कैंडिडेट बैठे हुए। तो मैंने पूछा भैया कैंडिडेट कौन है? मेरे ये वो है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं फिर सिलेक्शन हो चुका है तो इनको कैसे पता चल गया पहले? क्योंकि ईसी की मीटिंग में सर लिफाफे खुलते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है उसमें बंद होते हैं, सील बंद। तो वो 8-9 बजे के करीब बैठे हुए थे। तो मैंने जब रजिस्ट्रार से पूछा ये क्या है, ना ऐसे चलता है यहाँ पे, मैं ऐसे तो नहीं चलेगा, आप गलत कर रहे हो। तो मैंने उनकी वीडियो बना के डाल दी थी। अब मैं दिखाना चाहता था एज ए प्रेजिडेंट, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं था। अब इस तरीके का काम यहाँ पे किया जा रहा है, और वो फेसबुक पर अपलोड कर दी थी। और उस एवज में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेरे ऊपर 2 तो केस लगाए, एक तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया और एक वैसे घर में घुसने का केस लगा झूठा। उस दिन के बाद 4.5 साल हो चुके हैं, 8-10 इंक्वायरी, चार्जशीट मेरे ऊपर बेबुनियाद लगाई गई, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन से मैंने कहा सर जो केस झूठे लगाए थे उनमें चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ मेरे ऊपर, तो इनमें 4 साल तो लग चुके हैं, अगर क्या पता 10 साल लग जाए इसमें, तो मेरी ड्यूटी बहाल कीजिए ताकि मेरा एकेडमिक करियर इफेक्ट ना हो। तो इसी चीज़ को लेके यूनिवर्सिटी कहने लगे नहीं हम बहाल नहीं करेंगे, इसी वजह से मैं यहाँ बैठा। 4 साल बाद क्यों बैठना पड़ा? 4 साल पहले तो मैंने सोचा कि भाई कोर्ट में है, चार्ज लगे नहीं हैं, तो जैसे कोर्ट में जाता है जज साहब कहते हैं नेक्स्ट हियरिंग में आपका डिस्चार्ज कर देंगे, वो काम लगा रहा। फिर कुछ चार्जशीट में बार बार बुलाते थे, पिछले 3 साल में मेरे को मिलने नहीं दिया वीसी से। फिर कोरोना आ गया था, कोरोना में 1-2 साल निकल गए, वो कहने कोरोना चला हुआ अभी नहीं होगा। तो इन चीज़ों को और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम थी, पर मेन चीज़ें क्या थी, अब यूनिवर्सिटी प्रशासन मेरा सहयोग नहीं कर रहा था। बार बार पत्र लिखे, और मैं एक चीज़ ये भी दिखाना चाहता था कि मैंने कितना संघर्ष कर रहा हूँ। मैं पहले भी बैठ सकता था मैं, पर प्रशासन को बार बार मैंने लेटर लिख के इनको बहुत मौका दिया, पर जब देखा कभी ये मेरे करियर बर्बाद करने वाले, तो मैं यहाँ पे बैठ गया।